चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आज के इस करुणा इंटरनेशनल केंद्र जोधपुर के द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जोर से जुनून से ओतप्र उपस्थित समस्त युवा साथियों, मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं उपस्थित समस्त माताओं बहनों, आज की ये प्रस्तुति देखकर मैं धन्य हुआ। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर ये देशभक्ति की भावना देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। वास्तव में मैं तो शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया। मैं विशेष तौर पर यहां पर उपस्थित समस्त अभिभावकों को विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाई तो हर कहीं मिल जाएगी, किताबी कीड़े हर कोई बन सकते हैं, लेकिन किताबी कीड़े के साथ व्यक्ति को संस्कारित तो होना भी आवश्यक है, और वह संस्कार ऐसी विद्यालयों के अंदर मिल सकता है, हर जगह नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं तो ये स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, जितने भी अभिभावक है उनको मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय के अंदर पढ़ाए जिसे मैं पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मिले, ताकि हमें संस्कार, जिस संस्कारों के कारण आज हम जिंदे हैं, वो संस्कार हमें मिलते रहें। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय के अंदर पढ़ाएं। बंधुओं, भारत वह देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। वह देश दुनिया में पीछे कैसे रह सकता है, वह देश दुनिया में पीछे कैसे रह सकता है। आज से 1,58,58,5,117 साल पहले जब सूरज धरती पर आया था, तब से लेकर अब तक जब दुनिया के देशों ने आंख भी नहीं खोली थी, तब भी दुनिया को ज्ञान देने का काम भारत कर रहा था और आज भी भारत कर रहा है। चाहे ऋग्वेदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वेदिक कालीन भारत हो, चाहे आचार्य चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का भारत हो, चाहे वाल्मीकि का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, चाहे शहीद भगत सिंह का भारत हो, एक अद्भुत भारत तब भी भारत था, आज भी भारत है, आगे भी भारत रहेगा। दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। यवन यूनान मिस्र सब मिट गए, एक हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारी संस्कृति इतनी महान है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, उसके कारण उसका उदाहरण है आप जैसे ऐसे संत लोग, जिन संत लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर इस भारत का डंका बजाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मंत्र को, ये संदेश विवेकानंद ने किया दिया था। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उत्तरम यत्र समुद्र सेव हिमाद्रे सेव दक्षिणम पश्चतद भारत भारती नाम यस्य संतति, भारती नाम यस्य संतति। हम मजबूत बने, हम सशक्त बने, हम नेतृत्वधीन बने, हम शिष्टाचारी बने। वो कैसे बनेंगे? जब ऐसे संस्थानों के संपर्क में आएंगे, हम करुणा इंटरनेशनल जैसे संस्थानों के संपर्क में आएंगे, जिससे हमारे मन में दया की भावना आएगी, हमारे मन में त्याग की भावना आएगी। भारतीय संस्कृति में मानवीय मूल्यों का बहुत ही महत्व है। करुणा, दया, प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न है। माँ कवि भर्तृहरि ने तो करुणा को ही शीर्ष रस माना है। करुणा से संवेदना पैदा होती है, संवेदना से न्याय पैदा होता है, और किसी के साथ अन्याय न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए, जब ऐसी भावनाएं अंतकरण में प्रवाहित होने लगे वही धर्म का उदय होता है। समा तो वीरों का आभूषण है, सहन कर लेना, समा कर देना, हमारी संस्कृति में से आचरण प्रस्तुत शिक्षा कहा गया है। संपूर्ण प्रकृति के साथ एक होकर जीने का नाम ही अहिंसा है। सरासर जगत में किसी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना न हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, ऐसा मानस लोक कल्याण मंगलमय कराता है। लोक मंगल की कामना से ही सबका कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाला बंधुओं, अगर कोई देश है तो भारत है। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने वाला अगर कोई देश है तो भारत है। जीव में भी परमात्मा का दर्शन करने वाला अगर कोई देश है तो भारत देश है। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करने वाला अगर कोई देश है तो भारत है। बंधुओं, यहाँ के लोगों ने, महाराजा सिंह ने
कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को तोड़कर कबूतर के ताकड़ी में तोलना स्वीकार कर दिया, लेकिन अपने धर्म को जाने नहीं दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए इस धरती पर। क्या क्या उदाहरण दो। पेड़ों की रक्षा के लिए इमरताबाई ने 363 का बलिदान देना स्वीकार दिया, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। सिरसा के रुक रहे तो भी सस्तो जान। कई उदाहरण हैं। गायों की रक्षा के लिए बाबूजी महाराज ने, तेजाजी महाराज ने अपना बलिदान दे दिया। बंधुओं, ये वह देश है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, जिसने राष्ट्रवाद की भावना का एक अद्भुत उदाहरण देता हूँ। बंधुओं, पिछले इस कारण भारत के दुनिया के अंदर पूजते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, पिछले कुछ समय पहले वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष इस भारत की धरती पर आया और उसने वो दिल्ली के अंदर आया, उसे राजीव गांधी की समाधि के दर्शन कराए गए, उसे लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि के दर्शन कराए गए, उन्हें गांधी जी की समाधि के दर्शन कराए गए। लेकिन वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष बोलता है कि मुझे तो महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन करने हैं। बंधुओं, दिल्ली के अंदर महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ? बंधुओं, दिल्ली के अंदर महाराणा प्रताप की समाधि। वहां के नेताओं का सिर ठिटका कि महाराणा प्रताप की समाधि यहाँ है ही नहीं, आपको दर्शन कैसे कराएं। चल पड़े चित्तौड़ की ओर, गोगुंदा के अंदर आए, वो वहां से नीचे उतरा, मिट्टी उठाई थैले में भरी, मिट्टी उठाई थैले में भरी, मिट्टी उठाई थैले में भरी। वहां के सारे नेता देखते रह गए, क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा, इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि वियतनाम में भी महाराणा प्रताप पैदा हो। ये विचार बंधुओं मेरे नहीं है, ये विचार वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष के हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, हम कैसे पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस राष्ट्र के लिए कार्य किया। बंधु, मैं बता देना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप का सेनापति शेरशाह सूरी था, उसकी सेना के सेनापति पुंजाजी भील थे और भामाशाह ने उनको दान दिया था राष्ट्रवाद का। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। ये देश सबसे हिंदू मुस्लिम सबसे मिलकर बना है। दीपावली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। हम सब सशक्त बने, हम सब मजबूत बने, समय की गरिमा को समझते हुए। ज्यादा टाइम नहीं रहता हूँ क्योंकि जिंदगी में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। लाइफ एंड टाइम आर टू ग्रेट टीचर्स, लाइफ टीचेस टू द यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचेस टू द वैल्यू ऑफ लाइफ। उस समय के महत्व को समझते हुए हम सब सशक्त बने, हम सब मजबूत बने, हम सब ऐसे विद्यालयों के संपर्क में आए। मैं तो गुरुदेव को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया। हम सब संस्कारित बने, हम सब आगे बढ़े, असफलताओं का, बाधाओं का, कठिनाइयों का, विपदाओं का सामना करते हुए आगे बढ़े। जिंदगी ऐसी, इसमें असफलताएं आएगी, कठिनाइयां आएगी, बाधाएं आती है, आए घरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, दर पर बरसे निज ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते तीर लगाकर डटना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं खानूंगा, काल के कपाल पर मैं लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। संघर्षों में भी गीत गाते रहे, हम सब कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करते आगे बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ेंगे कैसे? जब हम ऐसे विद्यालयों के संपर्क में आएंगे, ऐसे गुरु हमें मिलेंगे, ऐसे संस्थान हमें मिलेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बंधुओं, जिंदगी के अंदर कठिनाइयां आएगी, बाधाएं आएगी, लेकिन वो एक चुनौती के रूप में आ सकती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम रोज एक से एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करें। एक व्यक्ति वो होता है रोज एक व्यक्ति को जोड़ता है, साल के अंदर उसके 365 मित्र हो जाया करते हैं। वो व्यक्ति जहां भी जाता है, जिस गली में जाता है, जहां जाता है उसे आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। और एक व्यक्ति वो होता है रोज एक व्यक्ति से दुश्मनी करता है, साल के अंदर उसके 365 शत्रु हो जाया करते हैं, और वो जहां भी जाता है उसका अनादर होता है। हमें कैसा बनना है ये आपको तय करना है, मेरे को तय करना, हमसे मिलकर कैसे बनना है यह हमें तय करना है। अपने नजरिए को बदलिए, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। अरे कौन कहता है किसकी बदलने को, धारा को बदलो किनारे बदल जाएंगे, धारा को बदलो। हार मत मानना जिंदगी में, हार मानने से कुछ, हार मानते हतभागे, हिम्मत हो जिसके पास नहीं, हिम्मत और मेहनत ने मिलकर